महोबा के पनवाड़ी में कैंडल मार्च निकाल कर मनीषा को दी गई श्रद्धांजलि। हत्यारों को फांसी की सजा देने की गई मांग। महोबा से चांद बाबू मंसूरी की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में धड़ल्ले से बिक रही जहरीली ताड़ी। जिले के आला अधिकारियों की मेहरबानी से चल रहा जहरीली ताड़ी का गोरख धंधा। अम्बेडकर नगर से रक्षा राम की रिपोर्ट। बलरामपुर में दलित छात्रा के साथ दरिंदों द्वारा गैंगरेप कर हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी बहराइच के जिलाध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की गई कोशिश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया विफल करने का प्रयास। बहराइच से अजमल शाह की रिपोर्ट। उज्जैन के कैथा में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष व अन्य उच्च अधिकारियों की सहमति से अजय नौरंग को पत्रकार संघ का तराना तहसील अध्यक्ष किया गया घोषित। कैथा से अजय नौरंग की रिपोर्ट। बांदा में उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन बांदा के छात्रों द्वारा कैंडल मार्च निकाल कर हाथरस पीड़िता को दी गई श्रद्धांजलि। पीड़िता के घर वालों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता व नौकरी की गई मांग। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आज हम लोग सभी भाई बहन एकत्रित हुए हैं ताकि भविष्य में कभी ऐसी दुर्घटना ना हो। जो हमारी बहन हाथरस की उत्तर प्रदेश की बेटी हाथरस में जो मनीषा के साथ में निर्मम जिसकी हत्या की गई है, रेप किया गया है और उसके साथ इतनी दुर्दशा की गई है, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी गई है, उसके नस नस तोड़ी गई हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी विडंबना वाली बात है और ऐसा भविष्य ना हो, इस वजह से हम लोग एकत्रित हुए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज से अशोक घाट तिराहे तक एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला है ताकि हमारी बहन जो मनीषा जी की मनीषा खत्म हुई हैं जिनका मर्डर किया गया है। किस चीज़ को ले गया है जी? जो हमारे भारत की पुत्री थी जो हाथरस में जो घटना हुई मनीषा बहन के साथ, जो कुछ सामाजिक आतंकों के द्वारा उनके साथ जो बलात्कार किया गया और उनका मर्डर किया गया, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हमारी बहन को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का कार्य करें और उन राक्षसों को फांसी जरूर दिलाएं। बांदा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD News और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।